Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing now gravitation. This is video lecture number 3. I hope you have, this is the video lecture number 4. And I hope you have already watched video number, lecture number 1 to 3. Before watching this, all these 3 lectures, you should not watch lecture 4. So you must ensure that you have watched already lecture number 1 to 3. And then you are welcome here to watch video lecture number 4. Last class में हमने बात किया था कि variation of g की vary करता है, जैसे जैसे height बढ़ता है वैसे वैसे g की value कम होती जाती है. आज हम बात करते हैं कि earth surface से अगर नीचे जाएं, depth में जाएं, तो g की value कैसे बदलेगी, यानी variation of g with increase in depth. So we are discussing here variation of g with increase in depth. Increase in depth. Variation of g with increase in depth. Right? So what will happen? G ki value depth ke saath kaise vary karega? Ye hum calculate kar rahe hain. To g ki value डेप्थ के साथ कैसे वेरी करेगा. सबसे पहले कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप. अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप विथ यूनिफॉर्म डेंसिटी. यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ मटेरियल material is rho, right? Although हम जानते हैं कि अर्थ स्फेरिकल नहीं है, थोड़ा सा ब्लैक शेप का है, लेकिन अगर ऐसा कैलकुलेट करना है तो हमें मानना पड़ेगा कि वो स्फेरिकल है. और स्फेयर है तो उसका कुछ रेडियस होगा. लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्फेयर. रेडियस ऑफ स्फेयर ये तो हम पहले से मानते आए हैं. दूसरी चीज एक और माननी है कि अर्थ स्फेरिकल शेप का है और उसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है. अल्दो अर्थ पे यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है, इसके सेंटर पे क्रोड है, आयरन है, स्टील है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं मेटल्स है, कहीं नॉन मेटल्स है, कहीं डस्ट है, कहीं एयर है, कहीं वाटर है. तो डेंसिटी सबकी अलग अलग है, लेकिन हम मान लेते हैं कि इसकी डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म. Then, acceleration due to gravity, acceleration due to gravity at the earth surface is given by, ये हम जानते हैं क्या, g is equal to gm upon r square. अर्थ ये है और अर्थ के सरफेस पर ये पॉइंट है और यहां पे जी की वैल्यू इतनी है, पॉइंट मान लेते हैं ए. अब हम यहां से एच हाइट नीचे कोई पॉइंट बी है जहां पे हम चाहते हैं कि जी की वैल्यू कैलकुलेट करें. ये जी की वैल्यू कैलकुलेट, ये सेंटर ऑफ अर्थ है और हम इस पे चाहते हैं कि इस जगह पे ये जो जगह है, इस जगह पे ये जो मटेरियल है अर्थ का बना हुआ, इसकी वजह से इस पॉइंट पर बी पर हम इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करें. सो लेट अस कंसीडर ए पॉइंट बी बिलो डेप्थ एच फ्रॉम द सरफेस of the earth, okay? H height below the surface of the earth. Now, we know force of attraction यहाँ पे लगेगा, वो किसकी वजह से लगेगा? यहाँ पे अगर कोई body होगी, तो उसमें force of attraction इस mass की वजह से लगेगा? तो इस mass की वजह से लगेगा, तो इस mass को हमें calculate करना पड़ेगा. तो अगर earth का ये center से रेडियस r है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? r माइनस h.
डेप्थ को डी लिखना ज्यादा अच्छा है, वरना आपको कंफ्यूजन होगी कि बिलो हाइट डेप्थ डी। यहाँ पे लेट अस कंसीडर पॉइंट बी बिलो डेप्थ डी, डी लिख देता हूँ इसको, डी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि ये हाइट से और डेप्थ कंफ्यूज ना हो इसलिए। तो यहाँ पे इसका मास निकालना है, मास ऑफ द अर्थ कितना होगा, मास इज इक्वल टू क्या होता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, आपको पता ही है। और अर्थ को हमने क्या मान लिया है, स्फीयर, तो स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 r³ π r³, और डेंसिटी क्या है, रो। तो ये हो गया 4/3 π r³ और रो। लेट m' बी द मास ऑफ द स्फेरिकल पार्ट ऑफ अर्थ, स्फेरिकल पार्ट ऑफ द अर्थ हुज रेडियस इज, रेडियस इज r माइनस डी। ये रेडियस r माइनस डी है, तो इसका मास कितना होगा, तो उस स्थिति में यहां भी मास m' इज इक्वल टू क्या होगा, m' इज इक्वल टू क्या होगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 π r - d का होल क्यूब, और डेंसिटी थ्रू आउट सेम है, तो रो से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मास इतना हो गया, इस मास की वजह से इस पॉइंट पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो कितना होगा, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन वैल्यू ऑफ जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गिवन बाय एट डी इज गिवन बाय F is equal to what? अगर m mass का body है, m into m, g m dash into m upon r minus d whole square। और ये force कितना experience करेगा m mass का body है, तो m into g dash। यहाँ पे acceleration due to gravity हमने कितना मान लिया, g dash। तो g dash is equal to g m dash m upon r minus d whole square। m से m कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया, ये मिल गया g dash is equal to g, और m के बदले क्या लिख सकते हैं, 4/3 π r³, चाहिए m dash m रखते हैं, बाद में कोई दिक्कत नहीं, बाद में m dash upon r minus d का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, और पहले g की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है। नाउ g dash by g is equal to कितना होगा, तो g डैश है हमारे सामने, देखो gm डैश अपॉन r माइनस d का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय g की वैल्यू क्या होती है, gm अपॉन r स्क्वायर। तो g से g कैंसिल हो गया, और यहां पे बच गया g डैश बाय g इज इक्वल टू कितना बचेगा, m डैश बाय m एंड r स्क्वायर अपॉन r माइनस d का होल स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर अपॉन r माइनस d का होल स्क्वायर। अब यहां पे हम लिखते हैं g डैश बाय g इज इक्वल टू m डैश की वैल्यू लिख देते हैं, कितना, 4/3 π r³, r का मतलब r माइनस d का, m डैश के लिए r माइनस d का होल क्यूब इनटू रो, और इसके बदले m के बदले 4/3 π r³ इनटू रो, और इधर में है r स्क्वायर अपॉन r माइनस d का होल स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए, 4/3 और 4/3 π से π कैंसिल, रो से रो कैंसिल, r स्क्वायर से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक r बच जाएगा, r माइनस d होल स्क्वायर से r माइनस d होल क्यूब कैंसिल हो जाएगा, r माइनस d बच जाएगा, यानी बचेगा r माइनस d बाय r, यानी r बाय r माइनस d बाय r, that is g dash by g is equal to 1 minus r by r1 d by r, and therefore g dash is equal to g into 1 minus d by r। ये expression हो गया जिससे पता चलता है
की वैल्यू ऑफ जी डैश विल बी लेसर देन जी, जी डैश की वैल्यू जी से क्या होगी, कम होगी ना, क्योंकि वन माइनस समथिंग पॉजिटिव विल बी लेसर देन वन, एंड एनी नंबर एनी थिंग्स विच विल मल्टीप्लाई बाय लेसर देन वन क्वांटिटी विल बी लेसर. सो हियर वैल्यू ऑफ जी क्लियरली क्लियरली द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सन ड्यू टू ग्रेविटी विल डिक्रीज डिक्रीज विथ इंक्रीज इंक्रीज इन डेप्थ. डेप्थ जैसे जैसे बढ़ेगा, ये अगर बढ़ेगा तो बड़ी चीज हम कम कर रहे हैं, बड़ी चीज जैसे जैसे वन में से कम करेंगे वो चीज और छोटी होती जाएगी, और जितनी छोटी चीज से हम मल्टीप्लाई करेंगे जी डैश की वैल्यू जी के मुकाबले उतनी ही कम होती जाएगी. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जी डैश की वैल्यू जी के घटने के साथ साथ जी डी के बढ़ने के साथ साथ जी डैश की वैल्यू घटती जाएगी. यानी जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पर ही मैक्सिमम होता है, हम ऊपर जाएं तब भी नीचे जाएं डेप्थ में तब भी जी की वैल्यू घटती जाती है. ऊपर जैसे जैसे बढ़ते हैं जी की वैल्यू घटती जाती है, अभी आपने देख लिया नीचे जैसे जैसे जाएंगे जी की वैल्यू घटती जाएगी. यानी मैक्सिमम कहां हुआ, अर्थ सरफेस पे. ऊपर जाओगे तब भी नीचे जाओगे तब भी. अब एक दो केस कंसीडर कर लेते हैं उल्टा से. अगर मान लो ये d बढ़ते बढ़ते ये आपका सरफेस है और हमने d यहां से यहां तक किया है, अगर d बढ़ते बढ़ते यहां तक आ जाए सेंटर तक आ जाए तो उस स्थिति में d और r दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर. तब g डैश की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द earth. ठीक है, तो d is equal to r, यानी g dash is equal to g into 1 minus d by r होता है, d by r, और g dash यहाँ पे g into 1 minus r by r, r minus r कितना हो जाएगा, 1 minus 1 क्या हो जाएगा, 0, तो 0 into g, 0, यानी the value of acceleration due to gravity at the center of earth is 0. ठीक है, एक क्वेश्चन अगर ऐसा हो जाए कि what will be the value of acceleration due to gravity at the halfway of towards the of the radius of the radius of the radius of the earth. क्या हो, यानी d की वैल्यू जो डेप्थ है वो कितना है, रेडियस का आधा है. तो हम यहां पे रख देंगे फॉर्मूला में, तो क्या हो जाएगा, g dash is equal to g into 1 minus r by 2 upon r. तो क्या हो जाएगा, ये पूरा r से r cancel, यानी g dash is equal to g into 1 minus 1 by 2. इसका मतलब हो गया g into 1 by 2, that is g by 2. So acceleration due to gravity क्या हो जाएगी, half. अगर if the weight of the body, इसमें दूसरा पार्ट अगर लिख दें, the weight of the body is 250 newton at the surface of earth, then what will be its weight, its weight at the depth
half of radius of Earth. Half of radius of Earth. Yani D is equal to kitna ry. R. Half of the radius of the Earth. So I say main kya kahenge radius of Earth. Iska matlab G ki value half ho jati hai. तो W dash नया वेट भी क्या हो जाएगा एम जी डैश और पुराना वेट कितना था एम जी ठीक है मास तो बदलता नहीं आपको पता है तो W dash upon W is equal to क्या हो जाएगा G dash by G और W dash by W G dash by G कितना हो गया G dash है half of G अभी हमने कैलकुलेट किया था यानी W dash by W is equal to half तो W dash is equal to half of W और W है 250 न्यूटन तो इसलिए कितना वेट हो जाएगा जी 125 न्यूटन नया वेट वहां पर जहां पर डेप्थ रेडियस का आधा है वहां पर वस्तु का वेट भी आधा हो जाएगा अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अब देखिए एक क्वेश्चन है व्हाट विल बी The value of G at the bottom of a sea of a sheet 7 kilometers below the surface of water. ठीक है? 7 kilometers below at the surface of water. So what will be the value of D here? चलिए इसको देखते हैं D की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 7 किलोमीटर That is 7 into 10 to the power 3 meter. ये डेप्थ हो गया रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर That is 6.4 into 10 to the power 6 meter. ये हो गया दो चीजें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है अच्छा और ये चीज दिया जाता है वैसे क्वेश्चन में रेडियस ऑफ अर्थ दिया जाता है और हमें निकालना है g dash is equal to क्या होगा g into 1 minus d by r यानी g कितना हो गया 9.8 1 minus d कितना आप लिख सकते हैं 7 into 10 to the power 3 upon 6.4 into 10 to the power 6 right so what will happen this is 9.8 minus 9.8 into 7 into 10 to the power 3 upon 6.4 into 10 to the power 6 ये कट गया 3 से decimal से decimal भी कट गया 9.8 minus 98 गुने 7 बटा 64 into 10 to the power 3 नीचे रह गया so what will happen 9.8 minus 8 7 56 ये देखिए कट जाएगा ये किससे कटेगा 8 से almost कट जाएगा 7 टाइम्स ऑलमोस्ट 9 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा 9 से ये ऑलमोस्ट 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 11 से थोड़ा कम होगा और ये 10 से डिवाइड करोगे तो ये घट के लगभग 9.789 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आ जाएगा दिस इज द वैल्यू ऑफ जी व्हिच इज स्लाइटली लेसर देन 9.8 तो ऐसे कैलकुलेट करके हम इसे निकाल सकते हैं आप प्रॉपर कैलकुलेट कर सकते हैं मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी मेरी स्पीड के हिसाब से और हमने इसको कैलकुलेट कर लिया आप भी ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं हम ऐसे कुछ तरीके आपको देंगे जिससे आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं आई होप आपको ये बात सारी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से और इसी तरह से आप देखते रहिए और अगली वीडियो के इंतजार में हम फिर मिलते हैं ठीक है थैंक यू वेरी मच